Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. Hello. Namaskar दोस्तों, आप देख रहे हैं आज दिस न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिस्को राजा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, आलावे कुंठा पूरा मलो और सारे लेरू नीके वारू मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। यानी कि अगर आप भी तेलुगु मूवीज़ की लेटेस्ट अपडेट जानना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो इस वीडियो में तीनों ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस अपडेट में आपको पूरी की पूरी अपडेट देने वाला हूँ। पहले बात करते हैं डिस्को राजा मूवी की। डिस्को राजा मूवी को आज का दिन मूवी का जो है बहुत डाउन गया है। मूवी का फोर्थ डे में मूवी ने बहुत कम कलेक्शन किया है। इस मूवी को 24 जनवरी 2020 को रिलीज़ किया गया लगभग 500 स्क्रीन्स पर। वर्ल्ड वाइड में मूवी को लगभग 700 स्क्रीन्स मिले। बजट मूवी का 15 से 20 करोड़ के आसपास का है। मूवी का ब्रेक इवन 20 करोड़ का है, यानी कि अगर मूवी को हिट होना है तो वर्ल्ड वाइड में 20 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। मूवी ने अपने फोर्थ डे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 35 लाख का कलेक्शन किया है। मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 6 करोड़ 23 लाख, वो भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मूवी ने अपने फोर्थ डे में वर्ल्ड वाइड में शेयर कलेक्शन किया है 37 लाख का और टोटल कलेक्शन हो चुका है 7 करोड़ 23 लाख। यानी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा तो नहीं परफॉर्म कर रही, लेकिन अभी भी मूवी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो काफ़ी दूर है, क्योंकि मूवी को 20 करोड़ का कलेक्शन करना है और अभी मूवी ने वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 7 करोड़ 23 लाख का ही कलेक्शन किया है। यानी कि अभी मूवी को 12 करोड़ 67 लाख का और कलेक्शन करना होगा वर्ल्ड वाइड में अगर मूवी को हिट होना है। मूवी का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 12 करोड़ 60 लाख का, वो भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में। फिफ्थ डे की बात करूँ यानी आज के दिन की, मूवी के कलेक्शन में और ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। अगर मूवी 30 लाख का कलेक्शन भी करती है, मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 6 करोड़ 53 लाख आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मूवी वर्ल्ड वाइड में अराउंड 13 करोड़ के आसपास का ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट कर जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सारे लेरू नीके वारू की। तो जैसे मैंने आपको कहा, महेश बाबू की मूवी है सारे लेरू नीके वारू, और इस मूवी को एक अच्छा होल्ड मेंटेन देखने को मिला है। लेकिन जो इसके साथ मूवी अभी तक बॉक्स ऑफिस में रन करी सारे लेरू नीके वारू, उस मूवी को भी आप कह सकते हैं अच्छा मेंटेन देखने को मिला है। लेकिन डिस्को राजा का जो कलेक्शन है वो काफ़ी ड्रॉप आ चुका है। सारे लेरू नीके वारू को रिलीज़ किया गया था 11 जनवरी 2020 को। अगर मैं कलेक्शन की बात करूँ तो मूवी ने 82 लाख का कलेक्शन किया है 17 डे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 110 करोड़ 89 लाख, और अगर मैं आपसे बात करूँ 17 डे वर्ल्ड वाइड की तो मूवी ने 89 लाख का कलेक्शन किया है। इसी के साथ वर्ल्ड वाइड में मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 131 करोड़ 90 लाख का। चलिए मैं आपको बता दूँ कि मूवी का कलेक्शन ब्रेक इवन कितना था। मूवी को 100 करोड़ का कलेक्शन करना था वर्ल्ड वाइड में अगर इस मूवी को हिट होना था, और मूवी ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर भी हो चुकी है। मूवी को 31 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट हो चुका है, और अभी तक इस मूवी के जो कलेक्शन में इंक्रीज है वो देखने को मिल रहा है। मूवी के वर्ल्ड वाइड में 211 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस कलेक्शन कम्प्लीट कर लिया है। 18 डे की बात करूँ यानी आज के दिन की, तो मूवी के कलेक्शन में आपको थोड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है, और अगर मूवी लगभग 111 करोड़ 59 लाख का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 212 करोड़ 50 लाख, जो कि इस मूवी के लिए सुपर कलेक्शन रहने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये मूवी आने वाले कितने दिनों तक बॉक्स ऑफिस में रन करने वाली है? चलिए अब सीधे आपको ले चलता हूँ आला वैकुंठा पूरा मलो की तरफ। तो चलिए अगर आला वैकुंठा पूरा मलो की मैं बात करूँ तो इस मूवी में मेन लीडिंग रोल में है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। आला वैकुंठा पूरा मलो को रिलीज़ किया गया था 12 जनवरी 2020 यानी कि 12 जनवरी 2020 को। मूवी ने अपने 16 डे में 1 करोड़ 69 लाख का शेयर कलेक्शन किया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 119 करोड़ 19 लाख, और अगर बात करूँ 16 दिन के वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन की तो मूवी ने 1 करोड़ 83 लाख का कलेक्शन किया है। इसी के साथ मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 148 करोड़ 44 लाख। अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूँ तो मूवी को 85 करोड़ का कलेक्शन करना था अगर मूवी को हिट होना है, लेकिन इस मूवी को प्रॉफिट हो चुका है 63 करोड़ 44 लाख का। यानी कि मूवी ने 85 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है और मूवी प्रॉफिट में भी जा चुकी है। मूवी ने 63 करोड़ प्लस का प्रॉफिट भी कमा लिया है। मूवी ने वर्ल्ड वाइड में 237 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन कम्प्लीट कर लिया है। अगर बात करूँ मूवी के 17 डे यानी आज के दिन की, तो आज के दिन कहीं ना कहीं आपको कलेक्शन में एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अगर मूवी 1 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन भी करती है तो मूवी का टोटल कलेक्शन हो जाएगा 120 करोड़ 49 लाख, जो कि इस मूवी के लिए एक सुपर डुपर हिट कलेक्शन रहने वाला है।
मुझे लगता है आने वाले 2 वीक तक ये मूवी बॉक्स ऑफिस में दम जमकर रन करेगी, यानी कि बहुत अच्छा कलेक्शन करने वाली है। और मूवी का कहीं ना कहीं फर्स्ट 17 डेज में वर्ल्ड वाइड में 239 करोड़ 20 लाख के आसपास ग्रॉस कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या कहना है इस मूवी के बारे में, इन तीनों ही मूवीज़ के बारे में, कलेक्शन के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।